अच्छा, हमारे पास एक और क्वेश्चन गिवन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द वाई इक्वल टू माइनस वन। एक हमारे पास इक्वेशन दी है, वाई की वैल्यू दी है माइनस वन, मतलब वाई की वैल्यू उसने मुझे फिक्स कर दी है लेकिन एक्स की वैल्यूज मुझे नहीं पता। तो हम सबसे पहले एक्स की वैल्यूज कुछ एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक्स की वैल्यूज पॉसिबल हैं, बन सकती हैं, ठीक है। तो y की वैल्यूज मेरे पास माइनस वन तो रहेंगी ही रहेंगी, क्योंकि y की वैल्यूज तो उसने कंफर्म करके दे दी है कि भाई माइनस वन ही है। लेकिन हमारे पास x की वैल्यूज हम जो है एक्सपेक्ट करेंगे, x की वैल्यू मैं जीरो भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, वन भी, टू भी, और माइनस वन, माइनस टू भी, बेसिक लाइन बनाने के लिए ना। और मुझे पता है क्योंकि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हमारे पास ये होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये होता है नेगेटिव वाई एक्सिस, ये होते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसी तरह y की वैल्यू माइनस वन मैं सपोज कर लेता हूँ कि मुझे यहाँ मिलेगी, क्योंकि मेरे पास अभी ग्राफ पेपर नहीं है तो आप ग्राफ पेपर पे प्रॉपर बनाएंगे, ठीक है। और x की वैल्यू जीरो भी है, वन भी है, टू भी है, थ्री भी है, और वन भी है, टू भी है, माइनस वन और माइनस टू भी है ना। तो हमने x की वैल्यूज पाँच एक्सपेक्ट किए। तो इसी तरह हम अगर x वैल्यू मैं वन बनाता हूँ, वो यहाँ बना लूँगा तो यहाँ आ जाएगी। इसी तरह माइनस वन में यहाँ ले लेता हूँ और माइनस टू में यहाँ ले लेता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से अगर मैं लाइन बनाना शुरू करूँ, एक्स वाई की वैल्यू माइनस वन पे, एक्स की वैल्यू मैंने जीरो बना दी कि देखिए ये मैंने बना दी है, ये मैंने माइनस वन माइनस वन पे जीरो बना दिया। अब माइनस वन पे मुझे वन और माइनस वन पे मुझे टू बनाना है, तो माइनस वन तो मेरे पास मौजूद है, वन यहाँ आ जाएगा, टू यहाँ आ जाएगा। इसी तरह माइनस वन पे वो माइनस वन बनाना हो तो यहाँ आ जाएगा, और माइनस वन पे माइनस टू बनाना हो तो यहाँ आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं अब इस लाइन को प्रॉपरली ड्रॉ कर दूँ तो मेरे पास ये लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी। ये मैंने पॉइंट्स तो बना लिए, अभी अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो मेरे पास चूंकि स्केल की अवेलेबिलिटी उस हिसाब से है, तो आपके पास होगी स्केल की अवेलेबिलिटी, आप स्केल से प्रॉपरली ड्रॉ कीजिएगा, इन पॉइंट्स पे ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वाई इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है। आपका ये ग्राफ कंप्लीट हो गया, आंसर आ गया। और